अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है अपना बेडरूम टूर और इसके अलावा मेरा वॉशरूम टूर भी है, क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं कि भाई बाथरूम दिखाने की कसर रह गई, बस वो भी दिखा दो। तो मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को बाथरूम भी दिखा दिया अपना कि मेरा बाथरूम जो है मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इसके अलावा जी है मोस्ट रिक्वेस्टेड मेरे किचन का टूर, किचन के वो बर्तन जिसके बारे में आप जानना चाह रहे थे। और मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि भाई घर में कचरा मच गया था, क्योंकि मैंने किचन के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई थी। चीनी के बर्तन थे, सिरामिक बर्तन थे, टी सेट वगैरह थे, जिसके साथ वो फोम्स आया था। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा वकास का रिएक्शन भी शेयर करूंगी कि इतने सारे पैसे लगाने के बाद उनका क्या रिएक्शन था इसके ऊपर। तो चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ली थी और वॉशरूम की भी, और आप लोगों ने काफ़ी वीडियो में पूछा भी है कि आप ये वॉशरूम की अलमारी कहाँ से लिए, ये कबर्ड कहाँ से लिया है, ये ऑर्गेनाइज़र कहाँ से लिया है, ये बर्तन वगैरह कहाँ से लिए थे। तो मैं आज की वीडियो में आपको अपनी सारी किचन की चीज़ें भी दिखाऊंगी। सारी तो नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत सारी, और मैंने थोड़ी थोड़ी करके ली हैं अपने किचन के हिसाब से कि मैंने अपने किचन में यहाँ में ये चीज़ रखनी है, और वो अपने किचन के हिसाब से क्यों ले रही हूँ वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी इंशाल्लाह थोड़ा सा कन्फर्म हो जाए उसके बाद। लेकिन ये कि आप लोग ब्लॉग देखो, फिर बाकी की चीज़ें आपको आके दिखाती हूँ। आपको बुखार हुआ हुआ है तो बोल रहे थे खाना कमरे में ही ले आओ, तो फिर मैं कमरे में ही ले आई हूँ खाना ट्रॉली पे उनके लिए। अब आ जाए, अल्लाह करे उठ के खाना खाए। ये देखें जी, हमने आज बनाई है दाल आलू की माँ, थोड़ा सा सैलड है, साथ रायता है, रोटियाँ बड़ी मुश्किल बनी है, कच्ची पक्की, गैस चली गई थी, कम आ रही थी, और इसलिए अब वो गैस वाला बंद करके ना हीटर बिजली वाला ऑन किया हुआ है। बच्चे सो के अभी उठे हैं, और स्कूल से आते हैं ना बेचारे, 6 बजे सो जाते हैं और 9 बजे उठ के बैठ जाते हैं। चले आए ना, खाना ठंडा हो रहा है। ओके भाई, तो फिर यहाँ पे जी हम लोगों ने खाना खाया। वकास बोल रहे थे मैंने आलू कीमा नहीं खाना, तो मेरे लिए दाल बना दो। तो वकास ने दाल खाई है, और तस्वीर ने बुरा था आलू कीमे का, लेकिन तस्वीर पापा के साथ दाल खाना शुरू हो गई थी, दाल ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी। तो भाई हम लोग वैसे सेक्टर में रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना हम लोगों की गैस चली जाती है रात को, इतनी कम आती है ना कि बस सिकती है खाली रोटी बस उसके ऊपर। अच्छा भाई, उसके बाद जो रात को रोटियां बची थी ना दो, मैंने वो अपने लिए पराठे सेक लिए थे और इनको फ्रेश बना दिए थे मैंने पराठे, और अपने लिए मैंने वही बना लिया था क्योंकि मैंने कहा था आलू की मैं के साथ खाऊंगी तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो नाश्ते के बाद जो अब घर का टूर दिखाते हैं। तो आज जो है मैंने सारे घर की डस्टिंग की थी, आपको नज़र भी आ रहा है, मैं वीक में ना एक दफ़ा डस्टिंग करती हूँ, मोस्टली संडे को करती हूँ, क्योंकि अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सफाई वाली मिल गई है। हेलो, मैं अपने आपको तो दिखा दूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं मुझे बार बार सलाम करने की आदत है, पता नहीं मैं क्यों करती हूँ, आई डोंट नो, लेकिन मैं बार बार करती हूँ। मैं 3-4 दफ़ा भी अगर किसी प्रोडक्ट की स्टोरी कर रही हूँ ना, तब भी मैं बार बार सलाम करती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा तेल लगाया हुआ बालों में, सन का रेपेंसल आई है ना वो मैंने बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है, मैं रेगुलर लगा रही हूँ, रेगुलर शैम्पू कर रही हूँ। खैर, मैंने आज डस्टिंग की थी तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, साथ जो रूम के लिए चीज़ें ली थी वो भी आज लगा रही हूँ साथ साथ। सबसे पहले मैं आपको ये टिशू बॉक्स दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है मेरे कमरे की जो पूरी थीम है ना वो मैंने ऐसे रखी थी, और ये सब चीज़ें जो है ना मैंने अपना जो घर है ना उसके हिसाब से लिए कि मैं वहां पे बेड को ऐसे सेट करूंगी, ये चीज मुझे वहां पे ऐसे चाहिए। तो मैंने वहां पे सोचा हुआ है कि मैं कॉर्नर जो मैंने रखना है डेकोरेशन पीस जहां पे ये रखते हैं, ये वाले राउंड वाले ट्रे वगैरह, तो ये मैंने उस हिसाब से लिए। ये देखिए राउंड वाले ट्रे है, इसके ऊपर ऐसे मिरर लगा हुआ है, आप इसमें अपनी बूथी भी देख सकते हो ऐसे करके, और इसके अंदर जो है आप फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हो, इसमें इवन आप मेकअप भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, और ये बहुत ही हसीन लगता है ऐसे सेंटर टेबल पर पड़ा हुआ। और ये बहुत हैवी है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये देखें बहुत प्यारा बना हुआ है, मुझे ये बेहद पसंद है और मैंने इसके साथ लिया था। ये देखें पूरे कमरे की जो थीम है ना वो मैंने इसी हिसाब से रखी हुई है सारी, गोल्डन और ये मतलब डिसेंट सा गोल्डन कलर। उसके बाद ये मैंने लैंप की मैचिंग के साथ में ये मंगवाए हुए थे टिशू बॉक्स से, एक छोटे वाला और एक बड़े वाला, जो बड़े वाला है वो ड्राइंग रूम के लिए है, वो भी मैंने लगाया नहीं है, ये इस तरीके से खुलता है और फिर इसके अंदर आप जो है रोज पेटल वगैरह के जो भी टिशू आप यूज़ करते हो वो रख सकते हो। ठीक है, ये देखें ये भी बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत खूबसूरत, नीचे से आप देख लें इसके जो डॉट डॉट से लगे हुए पैर इसके छोटे से, बहुत प्यारे बने हुए हैं, और ये भी अच्छा खासा हैवी है, हल्की चीज़ नहीं बनी, बहुत प्यारी चीज़ है। ये है जी हमारा ऑर्गेनाइज़र है, इसमें आप ब्रशेस भी डाल सकते हो, मैंने इसमें मोबाइल्स डाले होते हैं अपने तीनों, ब्रशेस भी डाल सकते हो अपने, आपका जो होता है ना वैनिटी आप उसमें रख के आप देखें कितना हसीन बना हुआ है ये। अच्छा, उसके अलावा ये फर वाले तकिए बहुत प्यारे लगते हैं, ये बच्चों के रूम के लिए मंगवाए थे, अपने रूम के लिए मंगवाए थे, क्योंकि स्वीप को बहुत पसंद है फर वाली चीज़ें, मैं बोलती मेरा बेड भी जो है ना वो फर वाला बनवाना, बहुत ही प्यारे फर हैं, और इसी की मैचिंग का जो है ना मैंने साथ रग भी मंगवाया था, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको, ये जो चेयर्स के नीचे डाला हुआ है ये कितना, ये देखें कितना, ये भी फर वाला, इसके ऊपर मैं अनबॉक्सिंग भी करती हूँ अक्सर वीडियोज़ वगैरह की। और इसके साथ के ना ऑटोमन स्टूल्स भी मिलते हैं फर वाले, अगर वो इसके साथ आप कॉर्नर पर रख के कमरे में किसी का सेटिंग करना चाहो ना तो वही बड़ी प्यारी लगती है, कॉर्नर में रख के फर और इसके साथ ऑटोमन स्टूल रख के इसी फर वाले मैचिंग के ले लें, ब्लैक पिंक वाइट कलर का, और बहुत हसीन लगते हैं वो। अच्छा, उसके अलावा मैं अपना ऑर्गेनाइजर दिखा दूँ वॉशरूम वाला,
ओके भाई, तो ये है जी मेरा वॉशरूम का ऑर्गेनाइजर, क्योंकि मेरी 3-4 वीडियो में आया और इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया मुझे कि ये आपने किस पेज से लिया था। तो ये सारा जो सामान है ना, मैंने वन बाय वन कर करके होम डेकोरेशन नाम का एक पेज है उनसे ये चीज़ें बाय की थी, और थोड़ी थोड़ी करके बाय की थी, इसलिए मैं आपको इकट्ठी दिखा नहीं सकी। मैंने कहा एक दफ़ा ज़रा कंप्लीट हो जाए तो फिर दिखाऊंगी। अभी भी मेरी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन मैंने कहा चलो यार बहुत ज़्यादा DMs आ रहे हैं, मैं एक एक को जवाब नहीं दे पा रही, तो चलो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना देती हूँ। आप लोगों ने बाय करनी है चीज़ें तो आप लोग बाय कर लो। तो ये बहुत ही प्यारा है। अच्छा, ये मैंने लेने मेरा ये लेने का पर्पज़ ये था कि जो हमारे वॉशरूम है ना, वो इतने बड़े नहीं है जैसे ये बड़े बड़े वॉशरूम है, तो मैंने यही सोचा हुआ था कि मैं अपने वॉशरूम में चीज़ें ऐसी लगाऊंगी जो जगह कम घेरे और चीज़ें उसमें ढेर सारे आ जाएं। अब जैसे ये ऑर्गेनाइजर है ना, अब आप देखें ये इस सीट के ऊपर आया हुआ है, इसका नीचे ये एक डंडा है जो इसके पीछे चला जाता है क्योंकि खुल खुल के लगता है सारा। तो ये वकास ने मुझे सेट करके दिया था। फिर साथ में टांगने के लिए भी जगह है जहाँ पे आप अपने लोफा वगैरह टांग सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें अभी भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, अभी मैंने कम रखी हुई है, आप टॉवल वगैरह भी रख सकते हो उसके साथ। इसके अलावा ये ड्रॉ में ढेर सारा सामान आ जाता है, इसको ना ही खोलूँ तो बेहतर है। ऊपर देखिए इतना फेशियल वगैरह, और मैंने अपना मैनीक्योर पेडीक्योर रखा हुआ है वॉशरूम में, नहाते हुए बंदा जो चीज़ें यूज़ कर सकता है कर ले। उसके बाद ये अलमारी, इनके पास जो है वो ढेर सारे कलर्स में है, मैंने ब्लू और वाइट लिए। ये देखें अलमारी कितनी खूबसूरत है ये वाली, और ये यहाँ पे चिपकी हुई है पीछे टेप से, और वो टेप जो है वो हटती नहीं है जब तक आप खुद नहीं हटाओ। और इसका ये भी टेंशन नहीं है कि शिफ्टिंग करनी होगी मुझे मसला हुआ। देखें बिल्कुल छोटी सी है और सामान इसमें ढेर सारा आया हुआ है। अभी तो मेरे ड्रॉ खाली है, इसमें आप छोटे छोटे ट्यूब्स वगैरह रख सकते हो। फिर इसको आप यहाँ से खोलोगे, मैग्नेट लगा हुआ है, बहुत ही क्यूट लगती है ये। और यहाँ पे आप ढेर सारी चीजें रख सकते हो अपनी, छोटी बड़ी, जो जो आप ऑर्गेनाइज करना चाहो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, अभी तो मुझे याद आया मैंने होम डेकोरेशन से ये घड़ी भी मंगवाई थी, मैंने खानम के देख के मंगवाई थी, 2-in-1 घड़ी। जब मैं इसके बारे में जाती हूँ तो टाइम देख के जाती हूँ, और इसके बारे में सारी होती हूँ तो टाइम देखती हूँ कि भाई कितना टाइम हो गया है। तो मुझे बहुत हसीन लग रही थी ये, और मैंने बोला यार दोनों कमरों के दरमियान में लगी हुई भी बहुत प्यारी लगेगी, तो मैंने उसी पर्पज के लिए मंगवाई थी। और आपके सामने कितनी प्यारी लग रही है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और यार इसको लगाना और ऑर्गेनाइज करना भी बहुत आसान है, और ये सारा सामान मुझे वकास ने ऑर्गेनाइज करके दिया है। बहुत ही हसीन लगती है, मतलब जो भी आता है ना घर में तो बहुत तारीफ करता है कि आपने बहुत प्यारे डेकोरेशन किए हैं, और वीडियोस में भी काफ़ी लोग बोलते हैं। ये देखिए ये ओवरऑल जो है ना वो ऐसे लगी होती है और बहुत प्यारी लगती है इस जगह पे। एक अलमारी जो है वो ये वाली, और आपको नजर आ रहा है इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं। इसके इसमें मैंने सीरम्स डाले हुए थे, 2-3 छोटे छोटे आई वाले, और ये मैंने इस कलर में इसलिए मंगवाई थी कि थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हों तो अच्छी लगती है सारी, एक जैसे नहीं होने चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म थोड़ी ना पहनाना है। तो ये भी देखना ढेर सारा सामान इसमें आया हुआ है, ढेर सारा। अभी भी इसमें 2-3 ट्यूब्स आ सकती हैं छोटी छोटी सी। तो आज आप लोगों को अपने किचन का विजिट करवा रहे हैं क्योंकि कौन कौन से बर्तन वगैरह मैंने लिए थे, कैसी चीजें ली थी, पॉट वगैरह, ऑर्गेनाइजर, काफी लोग पूछ रहे थे। तो मैंने कहा चलिए आपको साथ साथ दिखाती हूँ, आपको इसमें नजर भी आ रहा होगा। मैं मोबाइल को हाथ में ले लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ करीब से, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। ठीक, मैंने मंगवाया था बॉक्स, इसमें आते हैं चावल और हमारी पांचों की पांचों दालें, और इसके पीछे जो है ये होता है, और ये पेज से लगता है। अभी ये मुझे वकास ने लगा के नहीं दिया, अब वो आएंगे तो मुझे लगा के देंगे। और ये इतना आसान है ना कि इसको आपने इसे प्रेस करना है, तो आपने जो है इसे प्रेस करोगे तो दालें नीचे आ जाएंगी। और इसको ऑर्गेनाइज करना है बहुत आसान है, ये मैंने खुद ऑर्गेनाइज किया था। इसमें ढेर सारा सामान आ जाता है क्योंकि आपको पता है दालें वगैरह हम ऐसे शॉपर में डाल डाल के रखते हैं या दूसरे मर्तबान में, फिर वो ज़्यादा जगह घेरता है। अब ये एक बॉक्स है, इसमें चावल आ जाएंगे हमारी फैमिली के हिसाब से तो बहुत है, और दालें आ जाएंगी इसमें सारी। और ये ना बड़ा वाला जार है, इसमें छोटे वाला भी आता है, आपको उसके साइज से नजर आ रहा है। जो दो मग्स है ना ये मैंने मंगवाए हैं पेयर में मंगवाए हैं, मतलब ये मैंने बोला था एक वकास का और एक मेरा होगा ये कप। तो ये बहुत ही प्यारे हैं, ऊपर जो है ये वुडन का इसका कवर है, और साथ में ये सिल्वर का स्पून है इसका छोटा सा। इसने अपना ये वाला चूज किया था छोटा सा कप, यर्मिश के लिए मंगवाया हमने क्यूट सा छोटा सा जिसका स्पून है प्यारा सा। और ये तस्वीर को क्राउन वाली चीज़ें पसंद आती हैं, तो फिर तस्वीर वास्ते भी हमारे घर की प्रिंसेस है माशाल्लाह, मेरी पहली बेटी है वो, तो ये उसके लिए मंगवाया है मैंने। ये उसने चॉइस की थी, बस वो स्पून पे लड़ रही थी, कहती मामा मुझे गोल्डन वाला स्पून दे दो, इसको सिल्वर वाला दे दो। मैंने कहा नहीं, आपका हमारी मैचिंग का है, हमारे स्पून सिल्वर है तो आपका भी सिल्वर। और ये बहुत ही प्यारा बना हुआ है, क्राउन एब्सोल्यूट पावर, सही बात है, हमारे घर की सारी पावर जो है तस्वीर के पास उसकी चलती है माशाल्लाह से। बात भाई मैंने अपने नॉन स्टिक के जो सेट है उसके साथ के ये स्पून मंगवाए थे, क्योंकि नॉन स्टिक में दूसरे चम्मच यूज़ करो तो उसमें फिर लाइनें पड़ जाती हैं और पूरा सेट ख़राब हो जाता है। तो ये मुझे ढेर सारे स्पून मिले थे, साथ में ये इसका बाउल भी मिला था। और आप इसमें देखने सारे स्पून है, नूडल्स वाला, बीटर, और इसके अलावा आपको बारबेक्यू करना हो तो ब्रश चाहिए होता है ऑयल लगाने के लिए, सारे। इनकी जो क्वालिटी है ना वो भी बहुत अच्छी है, आपको वीडियो से भी नज़र आ रहा होगा, बहुत ही आला क्वालिटी के। इसमें कलर्स भी और हैं, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो जौन सा मर्जी, मुझे यही पसंद था इसका। मैं आपको चिमटा दिखाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा है, नॉन स्टिक तवे के साथ आपको इसको यूज़ करना हो। ये देखें
उसके बाद ये हमारा है जी स्पाइसेस ऑर्गेनाइजर, और ये आपको नजर आ रहा है सिरेमिक है, ये आप कहीं पर टांग सकते हो इसको। और ये मैंने अपने किचन के हिसाब से बनवाया है, ये वुडन का बना हुआ है सारा, और फिर ये मैंने अभी अटैच किया था सारे पेज के साथ, ये देखें इस तरीके से, और बहुत प्यारे बने हैं। आप इसे अपनी मर्जी से चीज़ें रख सकते हो। उसके साथ स्टिकर भी मुझे मिले थे जिसके ऊपर सारे नाम लिखे हैं, वो मैंने अभी इसके बॉक्स में रखा हुआ है कि जब मैं इसमें चीज़ें डालूंगी तो उसके हिसाब से साथ साथ नाम लिख दूंगी। इतना क्यूट बना हुआ है ना ये, मैं आपको उसका चम्मच दिखाती हूँ। ये चम्मच भी इसका सेरेमिक है, बहुत ही ख्याल से यूज़ करना है बच्चों वालों ने, तो मैं तो बच्चों को साफ बोल देती हूँ भाई इस चीज़ को हाथ मत लगाना वरना कुट पड़ेगी मेरे से। पहला वो टी सेट था जो मैंने मंगवाया था, और आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने टी सेट मंगवाया और घर में बहुत कचरा मच गया था, क्योंकि ये वाली चीज़ों के अंदर पैक होकर आता है, ये पैकिंग काफ़ी अच्छे से करते हैं बर्तन वगैरह की, ताकि ना बर्तन टूटे ना। शुक्र है कि मेरी कोई भी चीज़ टूटी हुई नहीं निकली, हर चीज़ माशाल्लाह सही निकली है। ये मैंने जग गिलास का सेट मंगवाया था, ये एक जग है और उसके साथ ये 6 ग्लासेस हैं, और इसका कलर मैंने ग्रे सेलेक्ट किया था, आपको नजर आ रहा है कितना प्यारा लग रहा है। इतने अच्छे से पैक होके आया था ना ये, माशाल्लाह माशाल्लाह एक स्क्रेच या एक कहीं से भी तड़का हुआ भी नहीं है, कोई कप कोई गिलास कोई भी चीज। जो टी सेट है ना आपको नजर आ रहा है कि ये इसके साथ ट्रे भी आई थी, और फिर उसके साथ ये कप है, और ये काफी वजनी सा है, मैं एक हाथ से उठा के दिखा भी नहीं सकती आपको, लेकिन बहुत हसीन है। डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ ये सारा सामान बहुत प्यारा लगता है, और मैंने उसी हिसाब से मंगवाया था। इसका जो ढक्कन है वो देखें कितना खूबसूरत है, और ये बहुत प्यारा जब आप इसे चाय डालोगे इस तरीके से आ हा हा मेहमानों के सामने, तो बहुत ही हसीन लगती है सारी चीजें। अच्छा है ना सामान, डाइनिंग टेबल वाला सामान। हाँ मैंने वकास को भी नहीं दिखाया था सामान, मैंने कहा टूट जाएगा बच्चे तोड़ देंगे, बच्चे तोड़ वाले की आज खोल के दिखाई दिया। मैसेज बहुत आ रहे थे ना, तबीयत ठीक है आपकी, गला खराब है अभी, बुखार तो नहीं है, हैं बुखार का फर्क है, बुखार का फर्क है लेकिन चाय डाल। बलाज कहता है मेरी बॉल दे दो मुझे, मेरी बॉल मुझे दे दो, मैंने बोला बॉल नहीं है भाई, ये ग्लास कितने प्यारे हैं, जग ग्लास है ना वकास, अरे सीन है वो देखें, वो देखें इसके चम्मच इतने नाजुक है, चम्मच उठाए। ये मुझे ना हमारे किचन में ना दीवार के साथ सेट कर देना, या फिर नीचे रखेंगे, और ये वाला भी लगा के देना मुझे। कप देखा आपने, मैंने अपना ये आपका मंगवाया था कपल मग, प्यारा है ना, बड़ा प्यारा सामान बना दिया तुम्हें, देखो ये तसीब का मंगवाया था मैंने, उसे सिलेक्ट किया था ये क्वीन वाला, आपको पता है वही सिलेक्ट करती है इस चीज़ है, क्राउन लान लेना है। रूम देखा कितना आला सेट किया है मैंने, नहीं रूम नहीं। अच्छा भाई मैंने किचन की लाइट्स ऑफ कर दी हैं, रूम की मैंने सेटिंग की थी, डस्टिंग वस्टिंग वगैरह नहीं देखा क्योंकि वो गए हुए थे अपने पार्सल्स देने, बताएं अच्छा किया। चीजें मैंने बाय करी है ना उन सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, पेज का नेम भी बता देती हूँ, होम डेकोरेशन नाम का कुछ पेज था जहाँ से मैंने वन बाय वन करके बाय करी थी। मतलब मेरा हर मंथ का एक बजट होता है कि जिसमें मैं अपने यूट्यूब वीडियोस का सामान मंगवाती हूँ, और घर से डेकोरेशन से रिलेटेड कोई ना कोई चीज मंगवा लेती हूँ, ताकि मैं ना इसलिए ले रही हूँ चीजें, मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि मेरे पास बर्डन ना पड़े एकदम से, और मेरे पास सामान हो अपना घर सेट करने के लिए, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके चीजें ले रही हूँ उसके लिए। तो खैर आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, और कौन सी चीज आपको सबसे प्यारी लगी, वैसे सब चीजें बहुत प्यारी हैं, सिलेक्ट करना मुश्किल है कौन सी ज्यादा प्यारी थी, सब चीजें परफेक्ट हैं क्वालिटी वाइज लुक वाइज एकदम से अट्रैक्ट करती हैं, और बहुत अच्छी लगती हैं सर्विंग के लिए भी और डेकोरेशन के लिए भी। तो मैं आप लोगों के लिए लिंक लगा दूंगी, वहां जाके जो है वो बाय कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरा कोई डिस्काउंट कोड वगैरह नहीं है, फिर भी आप उनको बता देना कि भाई नताशा वकास के चैनल से आए हैं, नताशा वकास की वीडियो देखकर आए हैं, शायद वो कुछ दे दें अगर वो जानते हुए पहचानते हुए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, मैं बोलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।